के ऊपर हमारे लिए कहिएगा, क्या बोलते हैं, हमारे को ये नहीं कि पैस्थाई किए जाए। बिल्कुल बोलो ना, जो जो सुविधाएं वो हमें मिलना चाहिए हर बच्चों के लिए है, वो भी अच्छे पढ़े लिखे बच्चे तो उनको भी जॉब मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। तो कुछ ऐसा होता है जब आपकी गाड़ी में लगे हो परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट और आप रहते हो बिल्डिंग में, अगर आपने सुबह सुबह 7 बजे गाड़ी चालू कर ली तो मतलब सबकी नींद हराम होनी है। तो गाड़ी बाहर निकालते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल विद विश पे, और आज की राइड का कारण है ये भाई पीयूष, मेरा बहुत पुराना दोस्त, और इसने खरीदी है नई डोमिनर 250। क्या शानदार चमक रही है मैट ब्लैक पे, देखिए तो सही आप, आय हाय हाय। और उसी के साथ दूसरा कारण है इंदौर का लगातार 5वीं बार नंबर 1 पोजीशन पे आना टीनेस सिटी इंडिया के अंदर। क्या बात है दोस्तों, मज़े आ गए एक और बार, स्वच्छता का पंच मार दिया पंच। सो आज की जो है हमारी ब्रेकफास्ट सॉर्ट ऑफ राइड है थोड़ी, और ये भी सोचा है मैंने कि जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं जिनकी वजह से इंदौर जो है नंबर 1 पे 5वीं बार फिर से आया है, क्यों ना इस खुशी के मौके पर उनका मुंह मीठा किया जाए। और उनका मुंह मीठा करने के लिए आज मैं लेके जा रहा हूँ ये कैडबरी के चॉकोबेक्स केक्स। तो चलिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करने जाएंगे पर उससे पहले खुशियाँ फैलाएंगे। तो जय माता दी कह के निकल पड़े हैं हम आज की राइड के लिए। छोटी सी राइड है, ज़्यादा लंबी नहीं है, और वैसे 3 लोग जाने वाले थे, मैं, पीयूष और करण, पर करण ले गया था और उसके ले से वापस जाने के बाद उसकी गाड़ी में जो है ब्रेक्स की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। तो फिलहाल हम दोनों जा रहे हैं, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। हमेशा की तरह बड़े बड़े मस्ते छोड़ते हैं किसी और 7 सालों को टाइट वाली झप्पी। देखिए हमारा प्यारा सा न्यारा सा सिटी, और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि दूसरे नंबर पे जो है वो है सूरत, और तीसरे नंबर पे है विजयवाड़ा। इसके अलावा जो इंडिया के अंदर सबसे क्लीनेस्ट स्टेट है वो मिला है छत्तीसगढ़। क्या बात, बधाई है। दादा मिले हैं हमें जिनकी वजह से इंदौर ने स्वच्छता का पंच लगाया है, तो आपका मुंह मीठा करने के लिए हमें तरफ से छोटी सी भेंट। ऐसे काम करते रहिए, नाज है आप पर। के प्रयासों से इंदौर 5वीं बार नंबर 1 आया, थैंक यू इसके लिए। कैसे हो आप, नहीं पहचानने वाली बात नहीं, हम आपको पहचानते हैं। आपकी वजह से इंदौर फिर से 5वीं बार नंबर 1 पे आया, तो आपके मुंह मीठा करने के लिए एक छोटे से हमारी तरफ से। के प्रयासों से इंदौर फिर से एक बार नंबर 1 आया, उसके लिए आपका मुंह मीठा कराना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, थैंक यू।
घबरा के ना मैं उठ गया था, मैं तो नहा धो के सब कंप्लीट होके आया। सो जो वार्तालाप चल रही है वो ये चल रही है कि भाई जो है उठ गया था और नहा धो के कंप्लीट होके आया, तो उठ तो मैं भी गया था, उठा गया मैं तो रात को, इतना एक्साइटेड था कि मैं रात को सोया ही नहीं हूँ आज। अच्छा, अरे मैं क्योंकि लेह से आने के बाद ये पहली राइड है बाइक राइड, उसके अलावा तो सब कार से ही गए हर जगह, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, तो मुझे नींद ही नहीं आई। और फिलहाल जो हम बांटने के लिए लाए थे ना ये केक्स, वो हम ही खुद ही खा रहे हैं, वो हम खुद ही कचरा नहीं फैलाएंगे यहाँ पे। हाँ, हम खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं इंदौर का पंच। ओके दोस्तों, सो टाइम हो गया है संजय जलाशय को टाटा बाय बाय कहने का। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने यहाँ पे, फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवाई, और फोटोग्राफ्स जो है आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देख सकते हैं जो कि यहाँ ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। इसके अलावा अब लगी है दोनों को ज़ोरों से भूख, तो दोनों जा रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए तगड़ा वाला, तो निकलते हैं यहाँ से। राजपूत ढाबा पे पहुंच के एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि हम लोगों को गर्मा गर्म पोहे और समोसे मिले, तो सो खाते हैं दोनों भाई एकदम सूत के, और उसके बाद वापसी की तैयारी करते हैं। भूख बहुत ज़ोरों की लगी है तो निपटाते हैं और फिर मिलते हैं हमसे। लौट के आ चुके हैं घर। चौधरी ढाबा पर जब हमने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद पता नहीं क्यों गोप्रो की बैटरी हो गई डाउन। अब हो सकता है इस वजह से क्योंकि मैंने आज कोई दूसरा चार्जर यूज़ किया था गोप्रो चार्ज करने के लिए, तो इस वजह से प्रॉपर बैटरी चार्ज हुई नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा थी नहीं, आज हम बहुत ही शॉर्ट राइड पे गए थे और उतने में गोप्रो की बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो इट मीन्स जो चार्जर मैं यूज़ कर रहा था शायद उसमें वो प्रॉपर उसने चार्ज नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, तो राइड काफ़ी अच्छी रही, और वापस आते आते भी हमने काफ़ी सारे वॉरियर्स को, सफाई कर्मचारियों को वो केक्स जो हम बांट रहे थे वो बांटे और थैंक यू बोला। फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच इंदौर के लोगों को भी जो कि कचरा डस्टबिन में ही डालते हैं, सड़कों पर नहीं फेंकते, जिससे आधा काम वैसे ही हो जाता है और आधा काम हमारे ये वॉरियर्स कर देते हैं, स्वच्छता वॉरियर्स। सो काफ़ी अच्छा रहा पीयूष के साथ आज का राइड, और प्लान कर रहे हैं हम लोग आगे भी और राइड्स करने की। सो बस यही तक था आज का व्लॉग, और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। बस एक छोटी सी दिक्कत थी आज भी वही हुई जो मेरे साथ लेह राइड पे हुई थी, माइक चलते चलते ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब वो उसके अंदर बाहर का डिस्टेंस काफ़ी आया, तो अब जाऊंगा आज और देखता हूँ कोई कंफर्टेबल माइक इसके लिए गोप्रो के लिए, ताकि व्लॉगिंग सेटअप मेरा पूरा हो सके। खैर, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के लिए, आने वाली सीरीज़ के लिए। सो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का। ध्यान रखिएगा, एक्सेल योर वरीज, एक्सेल योर सैडनेस एंड इनहेल द हैप्पीनेस। जय हिंद।